कर सकती है। एक बार उद्योग के बाद ये प्लास्टिक पूर्ण रूप से हमारे उद्योग की लाइफ में नहीं रहती, जैसे कि पॉलीथीन, चाहे पानी के डिस्पोजल, पानी की छोटी बोतल या पाउच तक कुछ फूड पैकिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक चाहे कचरा या बैग को टूटने में कम से कम 20 से 100 साल तक का समय लगता है। एक बार उपयोग के बाद हम इसे डस्टबिन में डाल देते हैं, पर कभी ये नहीं सोचते कि अब ये प्लास्टिक कचरा हमारे हमारे पर्यावरण के समय कैसा व्यवहार करेगा। इस तरह से ये प्लास्टिक कचरा कई सालों से हमारे पर्यावरण के लिए खतरा बना हुआ है, जबकि ना ये केवल गंदा दिख सकता है बल्कि जानवरों के शरीर को अपंग भी कर सकता है। आपको क्या होगा, इसका निर्माण पेट्रोलियम से प्राप्त रसायनों से होता है और ये रसायन श्वास के माध्यम से जीवों के शरीर में प्रवेश कर उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। प्लास्टिक उत्पादन के पर पूरे जीवन चक्र में निकालने वाले हानिकारक रसायन मनुष्य और पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। प्लास्टिक के बिना खाने की बर्बादी होगी, प्लास्टिक के बिना भारी वाहनों के कारण व्यक्तिगत की लागत में वृद्धि होगी, प्लास्टिक के बिना चिकित्सा देखभाल असंभव नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। दरअसल हम इतने प्लास्टिक पैदा करते हैं कि हर घंटे में 2000 ट्रक के बराबर खतरा पैदा हो जाता है। प्लास्टिक का उत्पादन 2040 तक दोगुना और 2050 तक 2.5 गुना बढ़ने की उम्मीद है। जबकि हम न केवल प्लास्टिक बनाने और प्लास्टिक प्रबंधन के तरीकों में बदलाव करते हैं, तब तक प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या बढ़ती रहेगी। सिद्धांत रूप में प्लास्टिक आसानी से पुनर्नवीकरण या कम से कम पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। यदि हम लंबे समय तक जीवित रहना चाहते हैं तो हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए और पर्यावरण की